आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल आपके साथ इस कार्यक्रम में धर्म, ज्योतिष, पर्व, त्योहार, रत्नों का उपयोग, मंत्र इत्यादि, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन दर्शन से संबंधित जो विषय हैं इस पे बात करता रहता हूँ। आज मैं आपसे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ, वो है ज्योतिष से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय। और विषय ये है कि सूर्य का मेष राशि में भ्रमण होगा 14 अप्रैल को प्रातः 8:13 से लेकर 15 मई 2018 प्रातः 5:03 तक। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। हर नवग्रह में हर ग्रह की एक उच्च राशि और एक नीच राशि होती है। उच्च राशि में कोई भी ग्रह अपने अत्यधिक शुभ प्रभाव देता है। सूर्य मेष राशि में उच्च माने जाते हैं। मेष राशि राशिमंडल की पहली राशि है, अग्नि से जुड़ी राशि है और उनके परम मित्र मंगल की राशि है। सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 2018 लगभग 30-31 दिन तक ये उच्च रहेंगे इस राशि में। सूर्य देवताओं के राजा, भगवान विष्णु के धरती पर प्रतिनिधि, उनके दिशा निर्देशों को पालन करवाने वाले, भगवान शंकर के शिष्य उनके भक्त हैं। सूर्य धरती पर दिन रात का निर्माण हो, मौसम में परिवर्तन हो, गर्मी सर्दी का नियंत्रण, आत्मबल, बुद्धि, संतान, पिता, जीवन में प्रगति उन्नति, राजा, राजस्तरीय व्यवहार, सोना गेहूं, इन सब वस्तुओं से जुड़ा हुआ है सब चीजों से। तो जब उच्च का सूर्य होता है तो ये सभी क्षेत्र में अत्यधिक शुभ रूप से प्रभावित होकर अपना असर दिखाने लगते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हर लगन पर प्रभाव पड़ता है। 12 लगन है ज्योतिष में। धन लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आपका लगन धन है या कोई और, इसको समझने के लिए आप क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और जन्म का स्थान, ये सारी सूचना एक किसी भी ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर में फीड करें अपने कंप्यूटर में। स्क्रीन पे एक चित्र आएगा जिसमें 12 खाने बने हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक उसमें नंबर लगे हुए होंगे जो कि राशियों के द्योतक हैं। 1 नंबर मेष होगा, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ तथा 12 मीन। यदि जो चित्र आ रहा है उसके ऊपर के जो मध्यम के 3 खाने हैं, ऊपर के जो 3 खाने हैं उन्हें मध्यम का खाना जो है वो लगन कहलाता है, वो आपका ज्योतिषीय चित्रण करता है। तो मध्यम के खाने में असेंडेंट छपा होता है अथवा लगन, तो यदि उसमें 9 नंबर छपा हुआ आ जाए तो समझिए कि आपका धन लगन है। तो अब मैं धन लगन के बारे में सूर्य के मेष राशि में जो प्रवेश हो रहा है धन लगन पर उससे क्या असर होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। असर क्या होगा, अचानक सुस्ती दूर, शरीर में ऊर्जा, तीव्र बुद्धिबल, परंतु तीव्र बुद्धिबल और सूर्य अग्नि के हैं, बुद्धि की जगह पर जा रहे हैं तो क्रोध पर नियंत्रण भी जरूरी रहेगा। 2 मई तक की जो ग्रह स्थिति है उसमें इस क्रोध के चलते मांगलिक जो जातक है विशेष रूप से सावधान रहे, जीवन साथी से तनाव न हो अथवा प्रेम संबंधों में दुराव न हो, अथवा तीव्र बल के चलते बुद्धि के चलते क्रोध में दुर्घटना का शिकार ना हो। इसलिए आपको अनुशासन चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में कहां कहां पर खर्चों के ऊपर, व्यापार में जो व्यापार से जुड़ा अनुशासन है वो चाहिए, जीवन साथी के साथ मांगलिक जैसे बोले वो चाहिए, शेयर मार्केट में अचानक निवेश करना, ज्यादा निवेश करना, सट्टा खेलना और वाहन का आपका मैकेनिकल फिटनेस, वाहन का संतुलन, वाहन की स्टेबिलिटी, वाहन का फिटनेस, उसका मेंटेनेंस,
स्पीड पर नियंत्रण चाहिए, खान पीन पर नियंत्रण चाहिए। खान पीन पर नियंत्रण का तात्पर्य है ज्यादा मसाले वाला, ज्यादा नमकीन, ज्यादा घी मक्खन तला हुआ भोजन, समोसे डोसे इत्यादि, ज्यादा मटन फिश इत्यादि, क्योंकि इनके ज्यादा भक्षण से, क्योंकि भूख बढ़ी होगी, पंचम भाव जो है लीवर से भी जुड़ा है, सूर्य की तेजी से भूख बढ़ सकती है और ये खान पीन बिगड़ सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर, यदि एज 40 के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर का, और क्रोध से ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर से क्रोध एक ही बात है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, यूरिक एसिड और थोड़ी बहुत चोट पैरों में या घुटने इत्यादि में तनाव से ये संभव है। इसलिए वाहन की गति पर नियंत्रण लिखने का भी बोला है। लेकिन 2 मई के उपरांत का जो समय है 15 मई तक, उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा, शिव दुर्गा और विष्णु के आशीर्वाद आपको मिलेगा, उत्तम धन की प्राप्ति होगी, संतान के भाग्य से होगी, परिवार में उत्तम शुभ कार्यों के समय होगा। यदि इस समय में संतान प्राप्ति का आपका योग बना हुआ है तो उत्तम संतान का जन्म होगा। यदि संतान बढ़ी है, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ निर्णय है तो अत्यधिक उत्तम उसका कार्य क्षेत्र में ग्रह स्थिति से, अत्यधिक सुंदर उसका कैरियर से जुड़े घटना चक्र चलेंगे, लाभ होगा उसे। प्रेम संबंधों और विवाह में शुभ रहेगा, विशेषकर 2 मई के उपरांत। कोई भी निर्णय इस विषय में 2 मई और उसमें भी विशेष करके 9 से 15 मई के मध्य आप निर्णय ले सकते हैं। इसी समय में 2 मई के उपरांत जमीन, किराया और संपत्ति से लाभ होता है। गुड़ का व्यापार हो, केसर का हो, दालों का हो, लाल रंग के फला का हो, फलों का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, इसमें आपको लाभ मिलता है। भूमि से भी लाभ मिलता है, किराए से लाभ मिलता है। इस समय में यदि आप चाहते हैं तो उच्चतम स्तरीय आपकी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में मनोवांछित परिवर्तन होना, स्थानांतरण होना, और यदि कोई झगड़ा मुकदमा है तो उसमें कानूनी लाभ होना। यदि आप खिलाड़ी हैं, शिक्षा से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े, तो अत्यधिक उन्नति वर्धक समय रहेगा। परंतु लग्न में शनि चल रहा है और विशेष रूप से यदि आपके 7.5 इत्यादि चल रही है, यानी आपकी राशि धनु मकर या कुंभ से कोई एक है, तो 2 मई तक आप शनि मंगल के दान करें। मंगल के दान में क्या होता है, केसर होता है, गुड़ होता है, मसूर की दाल होती है, तांबे का बर्तन होता है, और शनि के लिए उड़द है, साबुत उड़द है, सेंधा नमक है, लोहा है, कोयला है, सरसों का तेल है। आपके शरीर का लगभग जो है 11% भाग का आप दान कर सकते हैं, वो करते रहे। इस समय में अपने आप ही 2 मई के उपरांत काली, ज्वालामुखी, बगलामुखी अथवा वैष्णवी जैसी जो देवियां हैं, अथवा दक्षिण दिशा में जो देवियां हैं, उनकी यात्रा के सहयोग बनते हैं, उससे संतान को आपको धन के लाभ मिलते हैं और मन प्रफुल्लित रहता है। विशेष रूप से इस समय में जब मंगल उदय होता है, हनुमान और दुर्गा के आशीर्वाद के योग बने होते हैं। फिर कुछ चीजें आप चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती करना चाहते हैं, पहले आनंद नवरी हो, आशीर्वाद न देवी का मिल जाओ, तो सप्तशती के प्रथम चरित का पाठ कर सकते हैं, अथवा सब श्लोक दुर्गा के जाप कर सकते हैं। कम से कम 21 बार सब श्लोक दुर्गा रोज करें। विष्णु सहस्त्र नाम जो है, विशेषकर 8-9 मई के उपरांत इसका जाप करना बहुत अधिक लाभकारी रहेगा, राजनीति में, खेल में, शिक्षा में, क्योंकि भाग्योदय का समय है। सूर्य धनु लग्न में भाग्य का स्वामी है, उसका होगा विष्णु सहस्त्र नाम आदित्य हृदय स्त्रोत्र से भाग्य का निर्माण होना, भाग्य से संतान मिलना, नौकरी मिलना और ईश्वर का आशीर्वाद मिलना। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, संतान, मनोवांछित संतान या संतान के भले के लिए हनुमान चालीसा और विष्णु मंत्र है ओम नमः नारायणाय तथा ओम विष्णुवे नमः, इनका जाप करना। और 2 मई तक आप विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उनका हृदय रोग अथवा उनका रक्तचाप इत्यादि के प्रति सचेत रहें। आप चाहें इस लग्न के लिए जो मुख्य जो 3 रत्न है वो धारण कर सकते हैं, पुखराज, बन्ना और माणिक्य। पुखराज, पीला पुखराज दाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में बृहस्पतिवार के दिन
धारण करें, पन्ना छोटी उंगली में सात रत्ति के करीब का पुखराज, पांच रत्ती पन्ना सात रत्ती, छोटी उंगली में बाएं हाथ में बुधवार के दिन सोने अथवा चांदी में धारण करें और माणिक्य दाएं हाथ के रिंग फिंगर में सोने में छह रत्ती का रविवार के दिन धारण करें। 2 मई तक विशेष रूप से किसी भी सम्मेलन में, पार्टी में, विवाह शादी इत्यादि में शराब इत्यादि से परहेज रखें, जुआ सट्टे से परहेज रखें और 2 मई तक किसी को धन उधार ना दें। धन्यवाद, नमस्कार।